हेलो दोस्तों, कंपैरिजन वर्ल्ड के आज के वीडियो में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम दो ऐसे जानवर के बारे में जानने वाले हैं जो बहुत ही आक्रामक स्वभाव के होते हैं। तो चलिए जानते हैं हाइना और हनी बेजर के बारे में। डिस्ट्रीब्यूशन। बेजर एक छोटा सा स्तनधारी जानवर है जो वैसल परिवार का सदस्य है। इसकी 11 प्रजातियाँ हैं जिनमें यूरेशियन बेजर, हनी बेजर और अमेरिकी बेजर का समावेश होता है। दूसरी तरफ हाइना फेलेम्बोमिया परिवार का सदस्य है जो भेड़िए से भी ज़्यादा शातिर होता है। दुनिया भर में इसकी 4 प्रजातियां पाई जाती हैं जिनमें स्पॉटेड हाइना सबसे खतरनाक होता है। साइज। बेजर का वजन करीब 10 से 12 किलोग्राम होता है, वहीं इसकी लंबाई करीब 3 फीट होती है। दूसरी तरफ हाइना की लंबाई 4.7 फीट से लेकर 6 फीट तक होती है और इसका वजन 40 से 80 किलो के बीच होता है। बिहेवियर। दोस्तों, अमेरिकी बेजर हमेशा अकेला ही रहना पसंद करता है, जबकि इसकी दूसरी प्रजाति हमेशा 2 से 15 के झुंड में रहना पसंद करती है। हनी बेजर को दुनिया में सबसे ज्यादा नीडर जानवर माना जाता है और इसको मोस्ट फियरलेस एनिमल इन द वर्ल्ड के नाम की उपाधि भी मिल चुकी है। यह काफी अग्रेसिव होता है जो शेर, चीते जैसे बड़े जानवरों के सामने भी भिड़ जाता है। दूसरी तरफ हाइना की सभी प्रजातियां झुंड में रहना पसंद करती हैं। उनके झुंड की संख्या 10 से लेकर 80 तक होती है। हाइना के झुंड में मादा हाइना भी काफ़ी अग्रेसिव होती है और यह लोग अक्सर झुंड में ही हमला करते हैं, जिसके कारण यह बड़े से बड़े जानवर का शिकार आसानी से कर सकते हैं। डाइट। बेजर एक सर्वभक्षी जानवर है जो अपने आहार में फल, फूल, पौधे, गिलहरी, चूहा, सांप और खरगोश जैसे जीवों को शामिल करता है। कभी कभी वो कब्र खोदकर इंसानों के मुर्दे को भी खा जाता है। दूसरी तरफ हाइना अपने आहार में सभी तरह के जंगली जानवर, हिरन, हिप्पो, पक्षी, मछली, सांप, लोमड़ी और अंडे को खाता है। यह बहुत ही मात्रा में शिकार करते हैं और शिकार को पूरी तरह से खा जाते हैं, यहाँ तक कि इसकी हड्डियों को भी नहीं छोड़ते हैं। अटैक। दोस्तों, अगर बात करें हनी बेजर की तो यह काफ़ी अग्रेसिव स्वभाव के है। यह इंसानों की तरफ प्लानिंग करता है और बाद में किसी भी तरह के जानवर पर हमला करता है। इसकी चमड़ी बहुत ही मोटी और सख्त होती है, इसके कारण दूसरे जानवर इसको कम हानि पहुंचा सकते हैं। दूसरी तरफ हाइना भी चालाक और शातिर होते हैं। यह अपने से बड़े जानवर को चारों तरफ से घेर कर हमला करते हैं और जिंदा ही खा जाते हैं। अगर उनसे छोटा जानवर होता है तो वो अकेला ही उन पर हमला करता है, पर यदि कोई जानवर इनकी तरफ ग्रुप में होता है तो यह उन पर हमला नहीं करता है, जैसे कि वाइल्ड डॉग। हालांकि यह दोनों ही एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन हैं। स्पीड। एक हनी बेजर 32 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से दौड़ सकता है, वही हाइना करीब 60 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से भाग सकता है, जो बेजर से लगभग 2 गुना है। लाइफ स्पेन। हनी बेजर और अन्य प्रजातियों का औसतन जीवन काल करीब 24 साल का होता है, जबकि हाइना का औसतन जीवन काल 12 साल का होता है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं हाइना और हनी बेजर की लड़ाई में कौन जीतेगा। हमने हाइना और हनी बेजर के बिहेवियर, डाइट, साइज, स्पीड यह सब कुछ तो जाना, तो अब देखते हैं कि कौन किस पर पड़ता है भारी। हाइना हमेशा झुंड में रहता है, वहीं दूसरी तरफ बेजर भी झुंड में रहता है, पर यह बहुत ही छोटे झुंड में होते हैं। बहुत बार हनी बेजर अकेला होता है, ऐसे वक्त हाइना झुंड में आकर उस पर हमला करते हैं, पर बहुत ही कम बार यह हनी बेजर को मारने में सक्षम होता है। ऐसा इसलिए होता है कि एक तो यह बहुत ही गुस्सैल स्वभाव के होते हैं और दूसरा उसकी मोटी चमड़ी के काटना बहुत ही मुश्किल होता है, इसी वजह से यह बचकर निकल जाता है। लेकिन हनी बेजर शेर, लेपर्ड, चीते और हाइना जैसे बड़े जानवर से टक्कर लेने से नहीं डरता है, कभी कभार यह शिकार भी बन जाता है। इसीलिए हाइना और हनी बेजर की लड़ाई में शायद ही अकेला हाइना हनी बेजर को मार पाएगा, लेकिन वे ग्रुप में इसका शिकार कर सकते हैं। वहीं हनी बेजर भी अकेले हाइना को मारने में सक्षम है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या एक अकेला हनी बेजर हाइना को मार पाएगा? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और हमें आगे बढ़ने में मदद करें। धन्यवाद।